मैं हूँ ट्रैवलिंग देसी और ये ट्रैवल सीरीज है मेरी उस जर्नी की जिसमें मैंने एक्सप्लोर किया स्विट्जरलैंड के 9 शहर 75,000 रुपए में 10 दिनों के लिए एंड या दैट्स नॉट ऑल एक रेंटेड बॉडी और उसका पेट्रोल मिला के स्विट्जरलैंड आर्ग्यूबली दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्री है बट साथ ही ये बर्म्यूडा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे महंगी कंट्री भी है बट फिर वो बजट ट्रैवलर ही किया जो सारे ट्रिप एसेंशियल्स पे कॉम्प्रोमाइज किए बिना महंगी से महंगी कंट्री सस्ते से सस्ते में ना देख ले और इस सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मोस्ट एफिशिएंटली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड इसके मेजर सिटीज और बेहद खूबसूरत विलेज टाउन्स के साथ कम से कम पैसों में एंड लास्टली क्योंकि डीडीएलजे ने स्विट्जरलैंड को इंडियंस में इतना पॉपुलर कर दिया इसलिए इंटरलाकन सिटी ने तो यश चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर मानते हुए उनकी मूर्तियां लगाई हुई है इसलिए डीडीएलजे लोकेशंस के बिना ये ट्रिप इनकम्प्लीट होगी सो वी विल गेट अराउंड दोज एज़ वेल और अब मेरे पीछे है ज़र्ज़मिन रेलवे स्टेशन और ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ से ट्रेन छूटी थी और यहाँ है वो कियोस्क शॉप जहाँ पे शाहरुख खान ने ट्रेन छुड़वा दी थी तो स्विट्जरलैंड पे बनी इस व्लॉग सीरीज में आपको मैं लेके चलूंगा ज़ुरिक लुसर्न इंटरलाकन श्टाड किम्बलवाल्ड मुर्रेन लाउटरब्रुनन जिनीवा और इवन सर्न लेबोरेटरी म्यूजियम में भी और ये मेरे पीछे जो है ये एक पुराना पार्टिकल एक्सेलेटर है अब बंद हो गया म्यूजियम का हिस्सा बट ये जर्नी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजों पर बात कर लेते हैं जो कि स्विट्जरलैंड के सभी शहरों के लिए कॉमन है पहले तो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि स्विट्जरलैंड जाने के लिए फ्लाइट्स अराउंड 50-60,000 रुपए की मिलती हैं बट दैट्स नॉट ट्रू अपने 60 दिनों की ओवरऑल जर्नी के दौरान मैं स्विट्जरलैंड के ज़ुरिक पहुंचा था एक 7,000 रुपीज की स्विस एयर फ्लाइट में बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स से बट दिल्ली ज़ुरिक दिल्ली आने जाने की फ्लाइट्स की शुरुआत होती है अराउंड 35,000 रुपए से फिन एयर पे जो कि जनरली सबसे सस्ती ऑप्शन होती है और मुंबई से मिल जाती है KLM अराउंड इसी प्राइस रेंज में यहाँ की कलरफुल करेंसी है स्विस फ्रैंक जिसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली US डॉलर के आसपास ही होती है और मेरी इस विजिट के दौरान एक स्विस फ्रैंक था अराउंड 65 रुपए का 70 रुपए की चॉकलेट और अब बात महंगाई पर ओके देयर इज नो इजी वे टू से इट स्विट्जरलैंड बहुत महंगा है और यहाँ पे भी तीन सबसे बड़े खर्चे हैं रहना क्योंकि मैं अकेला हूँ इस कमरे में खाना नॉट टू स्पाइसी बट इट्स नाइस और घूमना छोटी सी चढ़ाई और आप पहुंचते हैं सीधा इस कैसल की छत के ऊपर जहां से दिखता है इंटरलाकन झील के उस तरफ और इनकी थोड़ी सी मैनेजमेंट से बहुत पैसे बच सकते हैं तो अब जरा इन तीनों को अभी साइड कर देते हैं ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स में ये रिपीट ना करने पड़े जस्ट इन केस यू वांट टू कुक योरसेल्फ द ग्रोसरी कुड बी अ लिटिल एक्सपेंसिव एज़ वेल पहले अकोमोडेशन जिसका खर्चा डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे मोस्टली यहाँ पे इंडिया से लोग या तो हनीमून पे आते हैं या फिर फैमिली के साथ या फिर कुछ मेरी तरह अकेले भी सो लेट्स डिस्कस ऑल थ्री ऑप्शंस अगर आप एक हनीमून कपल हैं तो बेस्ट ऑप्शंस है यहाँ के हॉलीडे होम्स या फिर एयरबीएनबी Alright, so I am here outside a beautiful BNB house and behind me is the owner. Yeah. And I asked him exactly how much he usually charges and what are the prices once again, sir? Interlaken, जो कि मैं आने वाले एपिसोड्स में दिखाऊंगा, कपल्स के लिए बेस्ट जगह है क्योंकि इसके पास कुछ unbelievably beautiful small towns, villages और entertainment activities हैं. But they are not cheap. ये आम Airbnbs की तरह budget accommodation नहीं होती क्योंकि यहाँ पे लोग होटल से ज़्यादा इन में रहना पसंद करते हैं. तो इसलिए ये premium accommodation समझी जाती है and could range from 8,000 to 12,000 rupees a night. But अगर आप थोड़ा सा view, location और comfort पे compromise करने को तैयार हो, तो B&Bs आपको 4,000 to 7,000 रुपए की range में भी आराम से मिल जाते हैं. चाहे कमर्शियल सिटीज जैसे बर्न जिनीवा ज़ुरिक के 3-star होटल्स हो या फिर टूरिस्टी हॉलीडे सिटीज जैसे कि इंटरलाकन लाउटरब्रुनन या मुर्रेन के हॉलीडे होम्स प्राइस रेंज तकरीबन यही है अब अगर आप 4 या 6 लोगों की फैमिली हैं तो हॉस्टल्स में 4 या 6 बेड डोम्स भी ले सकते हैं जो कि अलग अलग 2 या 3 रूम्स के मुकाबले तो आधे से भी कम पड़ेंगे और अगर आप मेरी तरह एक सोलो ट्रैवलर हैं तो बेस्ट ऑप्शंस हैं यूथ हॉस्टल्स यहाँ पे एक कंपनी है स्विस यूथ हॉस्टल्स जिनके ऑल अराउंड स्विट्जरलैंड अराउंड 50 हॉस्टल्स हैं और ये बजट सोलो ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है मैं ज्यादातर इन्हीं में रुका था और यूथ हॉस्टल का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ यंग लोग ही रह सकते हैं या फिर यहाँ पे प्राइवेट रूम नहीं होते
अगर यहाँ पे डॉम बेड मिल जाता है अराउंड 2000 रुपए में, जो कि मैंने यूज किया था अपने लिए, तो यहाँ पे प्राइवेट रूम्स भी मिल जाते हैं अराउंड 4,000 से 7,000 रुपए में। और हॉस्टल रूम्स का एक बेनिफिट जो कि होटल्स में अवेलेबल नहीं होता, वो है हॉस्टल की किचन। तो अगर आप हॉस्टल की किचन यूज करें तो आप अपनी अकोमोडेशन के साथ साथ खाने के खर्चे पर भी सेव कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम इस ट्रिप में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपके साथ सिटी बाय सिटी अकोमोडेशन ऑप्शंस शेयर करता जाऊंगा। और अब बात दूसरे बड़े खर्चे इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की। इस ट्रिप में मेरे पास 10 दिन थे जिसमें मेरा इरादा था 10 सिटीज और विलेज टाउन्स देखने का। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो स्विस रेल पास अगेन जो कि बहुत महंगा है, या फिर ऑलमोस्ट सेम प्राइस में एक रेंटेड कार। अब स्टार्ट बटन का है। अब आपको ये लगेगा कि ये कैसी बजट ट्रिप है, इसमें तो बंदा ऑडी में घूम रहा है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हर हाल में सस्ता पड़ता है, राइट? रॉन्ग। स्विस रेल पास, उनके प्राइसेस, उनके बेनिफिट्स और उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में फुल डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगले एपिसोड में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक रेंटेड कार आपको ज्यादा सूट करेगी या फिर स्विस रेल पास। पहुंच गया इंटरलाकन रेलवे स्टेशन, मेरे पीछे खड़ी है ट्रेन जो मैं लेने वाला हूं। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर मुझे 3 दिन का भी अनलिमिटेड स्विस रेल पास लेना है तो वो मुझे पड़ेगा अराउंड 15,000 रुपए पर पर्सन में। जी हाँ, 3 दिन। बट फिर मैंने गाड़ी रेंट कर ली 13,000 रुपए में एक हफ्ते के लिए, और यकीन मानिए मैंने ये सारी 10 सिटीज देख ली एक फुल पेट्रोल टैंक के साथ। अब सोचिए, अगर आप दो लोग हैं और सबसे सस्ता स्विस रेल पास भी लेते हैं तो वो पड़ेगा आपको अराउंड 30,000 रुपए का। बट ये अच्छा खासा डिटेल टॉपिक है जो हम आगे आने वाले एपिसोड स्विस पास और रेंटेड कार ऑल यू नीड टू नो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड अ बोनस गिव अवे, अगर आपने सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही गाड़ी चलानी है तो अपना देसी लाइसेंस यहाँ वैलिड है, आपको किसी स्पेशल इंटरनेशनल परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्विट्जरलैंड, जैसे कि हम सब जानते हैं, पार्टीज या नाइट लाइफ से ज्यादा जाना जाता है इसकी सीनिक ब्यूटी के लिए, इसलिए यहाँ पे नाइट लाइफ सिर्फ मेजर सिटीज जैसे कि ज्यूरिख, जिनेवा या बर्न तक लिमिटेड है, और मैक्सिमम पार्टी करने वाले लोकल्स होते हैं जिनके लिए स्विट्जरलैंड के दिलकश नजारे कोई नई चीज नहीं है। बट मैक्सिमम विजिटर्स आपको यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज एंजॉय करते हुए दिखेंगे, इसलिए मैंने भी एक सेन विजिटर की तरह अपना मैक्सिमम टाइम और एनर्जी स्विट्जरलैंड की अनबीटेबल नेचुरल ब्यूटी एक्सप्लोर करने में स्पेंड किया। बट इफ यू स्टिल विश टू पार्टी, तो यहाँ पे क्लब्स की स्टैग एंट्री 10 से 30 फ्रैंक्स की होती है, और अराउंड 7 फ्रैंक्स की बियर से लेके 10 फ्रैंक की कॉकटेल्स तक सब मिल जाता है। और अब वो चीज जिसके बिना आजकल गुजारा ही नहीं है, सिम कार्ड। वैसे तो लाइका मोबाइल ही पूरे यूरोप में प्रीटी मच हर जगह सबसे सस्ती ऑप्शन है, एंड दैट अप्लाइज टू स्विट्जरलैंड एज वेल। 10 स्विस फ्रैंक्स में यानी अराउंड 700 रुपए में आपको मिल जाता है 30 दिन के लिए अनलिमिटेड लोकल कॉल्स और अप टू 4GB डेटा हाई स्पीड पर। बट क्योंकि ये लेना पड़ता है सुपरमार्केट्स जैसे कि कूप से या फिर रेलवे स्टेशन्स के साथ देसी स्टोर से, तो वो लोग सिम के लिए 5 या 10 फ्रैंक एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, और इसके नेटवर्क काफी बार काफी लो हो जाते हैं। और अगर आपने मेरी तरह रोड ट्रिप करनी है या डेटा इज एवरीथिंग फॉर यू, तो द सेफेस्ट ऑप्शन इज सॉल्ट मोबाइल। सॉल्ट स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर्स में से एक है, और इनके स्टोर्स आपको हर बड़ी सिटी में जगह जगह दिख जाएंगे। तो इन नटशेल, मुझे 10 फ्रैंक्स में 10 दिन के लिए 4GB डेटा पर डे इंक्लूडेड मिल गया। फोन कॉल्स और SMS के चार्जेस इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा थे, बट मुझे क्योंकि सिर्फ डेटा चाहिए था, इसलिए मैंने अपने बेल्जियम के पिछले लाइका सिम को इस बार 10 फ्रैंक के सॉल्ट सिम से रिप्लेस कर लिया। और अब तीसरा खर्चा, खाना। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने दुनिया के कई महंगे तरीन देश देखे हैं, बट स्विट्जरलैंड में आके मुझे भी चक्कर आ गए थे। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा अंदाजा देता हूँ और साथ ही बताता हूँ कि आप खाने के खर्चे पे कैसे सेव कर सकते हैं। एज यू वुड नो बाय नाउ, मैं फैंसी इंडियन रेस्टोरेंट्स या फिर एक्सपेंसिव ईटरीज अवॉइड करता हूँ, और मोस्टली अपना खाना लेता हूँ सुपरमार्केट से। और स्विट्जरलैंड के दो सबसे बड़े सुपरमार्केट्स हैं कूप, जिसे कि लोग कोऑप भी बोलते हैं, या फिर मीग्रो। बजट ट्रैवलर्स के लिए बेसिक समझे जाने वाली चीजों में शामिल है 6 अंडे 5 फ्रैंक के, एक छोटा ब्रेड लोफ 4 फ्रैंक्स का, और 1 लीटर फ्रेश मिल्क अगेन 4 फ्रैंक्स। सब्जियां यहाँ इंडिया से 3 से 4 गुना तक महंगी है, और उसकी वजह यह है कि ये सुप्रीम क्वालिटी फाइनेस्ट ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होता है, एंड फ्रोजन या पैक्ड फूड के साथ हमेशा कुछ फ्रेश वेजीज मिक्स कर लेनी चाहिए, एंड सेम गोज फॉर फ्रूट्स। बट ये घर ले जाके खुद काट लीजिएगा, क्योंकि कटे कटाए यहाँ पे इस छोटे से पैक में 3.5 फ्रैंक के मिलते हैं। और यहाँ पर 50% ऑफ टैग आपको कई फूड आइटम्स पे लगा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग वर्ड फ्रेश को बहुत सीरियसली लेते हैं, और किसी भी फूड आइटम की बेस्ट बिफोर डेट आने से कुछ दिन पहले उसके प्राइसेस सीधा आधे कर देते हैं। खैर, मैं हमेशा 1-2 स्विस चॉकलेट्स और बहुत से 50% ऑफ वाली आइटम्स हमेशा उठा लेता था। और कॉफी के लिए कूप की ही टू गो कॉफी मिलती है अराउंड 3 फ्रैंक्स में। इसके अलावा सुपरमार्केट से आप थोड़ी सी वेस्टर्नाइज्ड यानी कि समवॉट फीकी फ्रोजन करीज भी ले सकते हैं,
बट अगर आप फ्रेश खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स अक्सर लंच बुफे लगाते हैं जिसमें कि अनलिमिटेड वेज या नॉन वेज ऑप्शंस मिल जाती हैं अराउंड 15 फ्रैंक यानी कि तकरीबन 1100 रुपए में। डिनर के टाइम मोस्टली अलाकार्ट मेन्यू होता है और यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स की कोई कमी नहीं है, खासकर इंटरलाकन में, बट यहाँ पे एक रोटी भी अराउंड 250 रुपए की मिलती है। बजट ऑप्शंस में आप मेरा वाला नुस्खा यानी कि हल्दीराम या MTR के रेडी टू ईट घर से ही साथ लेके जा सकते हैं और होस्टल्स या Airbnbs के माइक्रोवेव में ब्रेड या फिर यहाँ पे मिलने वाली पैक्ड नूडल्स या राइस के साथ खा सकते हैं। बट गाइस, हर चीज महंगी नहीं है। 41 फ्रैंक की JD से लेकर 38 फ्रैंक की ब्लैक लेबल तक स्कॉच टू सिंगल मॉल्स यहाँ पे दारू इंडिया से सस्ती है, एंड सेम गोज फॉर बियर, और ये दोनों यहाँ पे सुपरमार्केट में ही मिल जाती है। और पीने से याद आया, 1.5 लीटर स्विस एल्प्स के पानी की बॉटल 1 फ्रैंक की, बट इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। पूरे स्विट्जरलैंड में हजारों फाउंटेन्स हैं जहां से आप अपनी वाटर बॉटल रिफिल करके सीधा स्विस एल्प्स से आता साफ पानी पी सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ये ऑलमोस्ट हर शहर में खूब पिया। और इस एपिसोड को क्लोज करने से पहले इस बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करके मेरे इस छोटे से एफर्ट को सपोर्ट करें, क्योंकि आफ्टर ऑल शूटिंग से एडिटिंग तक दिस इज जस्ट अ वन मैन शो। दैट टू विद द बेसिक आइडिया कि अगर कोई भी स्विट्जरलैंड जाने का प्लान कर रहा हो तो अपने कुछ पैसे ही बचा ले, या फिर अगर नहीं भी प्लान कर रहा हो तो मैं उसे घर बैठे ही स्विट्जरलैंड घुमा सकूं। सो गाइस, ये थी प्रिटी मच स्विट्जरलैंड के बारे में सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, और अगले एपिसोड से मैं आपको लेके चलूंगा मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रोड ट्रिप पर, फ्रॉम ज्यूरिख टू जिनीवा। तो इसीलिए आगे आने वाले सुपर इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स और ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन, और फिर एक लाइक तो बनता है ना गाइस। प्रिटी कूल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, लोड्स ऑफ लव फ्रॉम योर ट्रैवलिंग देसी।